5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विश्व की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी और उनके सहयोगी जिस सूझबूझ से काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं वित्त मंत्रालय के तीनों मंत्रियों को बधाई देता हूँ। यह बजट बड़ी समझदारी से तैयार किया गया है। बजट में 20 सूत्री कार्यक्रम का, जिसका हर वर्ग और हर राजनीतिक पार्टी में स्वागत किया है, समावेश किया गया है। सस्ते भाव की दुकान खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने की ओर ध्यान देकर ग्रामीण लोगों और नौजवानों के शहरों की ओर भागने पर रोक लगाने का प्रयत्न किया गया है। ग्रामीण विकास बैंकों में 25% की वृद्धि हमारी प्रगति का प्रतीक है। इससे स्पष्ट होता है कि गांवों की तरफ हमारी नज़र गई है। जब हम हमारे गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं की दिक्कतों को सामने रखा गया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बनाया गया है। ये सब स्वागत योग्य कदम है। विरोधी पार्टियों के सदस्यों ने इस बजट के बारे में जो आपत्तियां उठाई थीं, उनको ध्यान में रखकर वित्त मंत्री ने करों में राहत देने के बारे में कल जो घोषणा की है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ और उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ। कुछ परिस्थितियाँ अभी अभी पैदा हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने के संबंध में कठिन स्थिति बनी। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसमें रुचि ली और भारत सरकार की ओर से राहत देने की घोषणा की गई और उसको तुरंत लागू भी किया गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कपास की जो स्थिति पैदा हुई, उसको भी ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने रिजर्व बैंक को 12 करोड़ रुपए की सहायता देने का आदेश दिया। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो अचानक खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय बड़ी समझदारी से फौरन उनके संबंध में कार्यवाही करता है। इसी प्रकार जो बेमौसम बरसात हुई, उसका गेहूं की फसल पर असर पड़ा, उस पर भी भारत सरकार ने ध्यान दिया। ये ऐसी बातें हैं जिन पर टीका करना बड़ा सरल है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, लेकिन दूसरी ओर करों की आलोचना भी की जाती है। इससे अच्छा निकाल तो राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकता है। देश में जो उत्पादन होगा और जो कर वसूल होगा, उसी के द्वारा देश के हर क्षेत्र का विकास हो सकता है। यदि कर बढ़ते हैं तो विरोधी दल उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन यदि हम सारे बजट पर निष्पक्ष होकर विचार करें तो हम देखेंगे कि यह बजट हर दृष्टि से बहुत ही सुंदर और
स्वागत योग्य बजट है।